Under the visionary leadership of our dynamic Prime Minister, the progress and development has set new benchmarks. और अब हम निवेदन करेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आशीर्वचन से हमारा मार्गदर्शन कराएं। तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदर राजन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान रेवंत रेड्डी जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी जी किशन रेड्डी जी, स्वयं बापूराव जी, पी शंकर जी, अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों, आज आदिलाबाद की धरती तेलंगाना ही नहीं पूरे देश के लिए कई विकास धाराओं की गवाह बन रही है। आज मैं आप सबके बीच 30 से ज्यादा विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास, इसका मुझे आज यहां अवसर मिला है। 56,000 करोड़ रुपीज, उससे भी ज्यादा ये प्रोजेक्ट तेलंगाना समेत देश के अनेक राज्यों में विकास का नया अध्याय लिखेंगे। इनमें ऊर्जा से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए किए जा रहे कार्य हैं, और तेलंगाना में आधुनिक रोड नेटवर्क विकसित करने वाले हाईवेज भी हैं। मैं तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों को और साथ ही सभी देशवासियों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, केंद्र की हमारी सरकार को और तेलंगाना राज्य के निर्माण को करीब करीब 10 साल हो रहे हैं। जिस विकास का सपना तेलंगाना के लोगों ने देखा था, उसे पूरा करने में केंद्र सरकार हर तरह से सहयोग कर रही है। आज भी तेलंगाना में 800 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाली एनटीपीसी की दूसरी यूनिट का लोकार्पण हुआ है। इसे तेलंगाना की बिजली उत्पादन क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी, राज्य की जरूरतें पूरी होगी। अंबारी, आदिलाबाद, पिंपलकुट्टी, इस रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो गया है। आज आदिलाबाद, बेला और मुलुगु में दो नए नेशनल हाईवे का भी शिलान्यास हुआ है। रेल और रोड की इन आधुनिक सुविधाओं से इस पूरे क्षेत्र के और तेलंगाना के विकास को और रफ्तार मिलेगी। इससे
यात्रा का समय कम होगा, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अनगिनत नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, केंद्र की हमारी सरकार राज्यों के विकास से देश के विकास के मंत्र पर चलती है। इसी तरह जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो देश के प्रति विश्वास बढ़ता है, तो राज्यों को भी इसका लाभ मिलता है, राज्यों में भी निवेश बढ़ता है। आप लोगों ने देखा है कि पिछले 3-4 दिनों से पूरी दुनिया में भारत की तेज विकास दर, इसकी चर्चा हो रही है। दुनिया में भारत ऐसी इकलौती ओनली बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है जिसने पिछले क्वार्टर में 8.4% की दर से विकास किया है। इसी तेजी से हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और इसका मतलब होगा तेलंगाना की अर्थव्यवस्था का भी तेजी से विकास। साथियों, इन 10 वर्षों में देश के काम करने का तरीका कैसे बदला है, आज ये तेलंगाना के लोग भी देख रहे हैं। पहले के दौर में सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार तेलंगाना जैसे इलाकों को ही इसकी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित वंचित आदिवासियों का विकास। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ये हमारी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से मुमकिन हुआ है। विकास के इस अभियान को अगले 5 वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी 10 मिनट के बाद मैं पब्लिक कार्यक्रम में जा रहा हूं। बहुत सारे विषय उस मंच के लिए ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए मैं यहां इस मंच पर इतनी ही बात कहकर के मेरी वाणी को विराम दूंगा। 10 मिनट के बाद उस खुले मैदान में खुले मन से बहुत कुछ बातें करने का अवसर मिलेगा। मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री जी समय निकालकर यहां तक आए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और हम मिल करके विकास की यात्रा को आगे बढ़ाए, इस संकल्प को लेकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। द जर्नी ऑफ प्रोग्रेस विल कंटिन्यू। ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर मे आई टेक। तो आदिलाबाद तेलंगाना से आप